नमस्कार, वेलकम टू योर चैनल स्टॉक मार्केट विजार्ड्स। जैसे कि गेल स्टॉक का प्राइस अभी कॉन्टिन्यूसली अप मूव कर रहा है एंड उसका मल्टीयर का रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया है एंड यहाँ पे जो दिग्गज ब्रोकरेज मोर्गन स्टैनले हो गया, नहीं तो अदर जो फॉरेन ब्रोकर है, यहाँ पे गेल का टारगेट को इंक्रीज किया है एंड यहाँ पे गेल का मार्केट कैप डबल हो सकता है 2026 तक। जिसके साथ यहाँ पे जिस टाइप का पॉजिटिव न्यूज आ रहा है गेल को लेकर, स्टॉक का प्राइस देखिए आज यहाँ पे लगभग 3 से 4% का अप मूव देखने को मिला है। उसके साथ अगर लास्ट 5 ईयर का रिटर्न देखेंगे, गेल यहाँ पे ओनली रिटर्न डिलीवर किया है नियरली 68% के आसपास, जो कि लगभग फ्लैट रिटर्न है अगर 5 ईयर्स का रेंज को कैलकुलेट करेंगे। और जिस टाइप का प्राइस में मल्टीयर का ब्रेकआउट देखने को मिला है, लुक्स लाइक आने वाले टाइम में स्टॉक का प्राइस यहाँ से भी डबल हो सकता है। जैसे कि आपको स्टॉक मार्केट में अगर बड़ा पैसा जनरेट करना है ना, तो आपको स्टॉक को होल्ड करना पड़ेगा एंड जो भी स्टॉक उसका मल्टीयर का रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर रहा है, उसके साथ उसका फंडामेंटल स्ट्रांग है, उसी टाइप का स्टॉक को आपको होल्ड करना चाहिए। आने वाले बड़ा मूवमेंट आ सकता है जो कि गेल यहाँ पे इस कैटेगरी में जा रहा है। तो स्टॉक का फंडामेंटल किस टाइप का है और टेक्निकल चार्ट सेटअप किस टाइप का बन रहा है, डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आप स्टॉक मार्केट विजय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप स्टॉक का लास्ट 5 ईयर का रिटर्न देखेंगे 68%, लास्ट 1 ईयर का रिटर्न 88% एंड लास्ट 6 मंथ में यहाँ पे रिटर्न डिलीवर किया है 64%, लास्ट 5 ईयर का रिटर्न लगभग यहाँ पे फ्लैट। अब हम चलते हैं चार्ट के ऊपर, देखते हैं कि चार्ट में किस टाइप का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। आपके स्क्रीन के सामने जो चार्ट ओपन हुआ है, ओपन है गेल इंडिया लिमिटेड का। टाइम फ्रेम सिलेक्ट हुआ है मंथली। अगर आप इस स्टॉक का चार्ट सेटअप देखेंगे, ईयर 2000 में प्राइस यहाँ पे बॉटम फॉर्मेशन किया था, उसके बाद देखिए इस स्टॉक का प्राइस यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड एस्टेब्लिश किया था एंड प्राइस देखिए इस अप ट्रेंड के बाद यहाँ पे इस मल्टीयर का रेंज को फॉलो कर रहा है। जैसे कि हम मल्टीपल टाइम एनालिसिस किए कि प्राइस ऑलवेज एक चैनल को फॉलो करता है। प्राइस अगर ऊपर जाएगा एक अप ट्रेंड चैनल, अगर प्राइस नीचे आएगा एक डाउन ट्रेंड चैनल, अगर प्राइस कंसोलिडेशन करता है तो फ्लैट चैनल के अंदर कंसोलिडेशन करता है। एग्जैक्टली देख सकते हैं प्राइस यहां पे एक अप ट्रेंड चैनल को फॉलो कर रहा है जो कि मल्टीयर का और स्टार्ट हुआ था ईयर 2009 से। प्राइस देखिए इस चैनल का अपर बाउंड्री के आसपास जब भी जा रहा है, प्राइस को यहां पे मल्टीपल टाइम सप्लाई मिला है। जब भी लोअर बाउंड्री के आसपास आया है, प्राइस को यहां पे मल्टीपल टाइम डिमांड देखने को मिला है एंड एग्जैक्टली देखिए 2023 में प्राइस यहां पे मल्टीयर का उसका रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया जो कि इसका मल्टीयर का चैनल का अपर बाउंड्री था एंड ब्रेकआउट के बाद देखिए कंटिन्यूअसली प्राइस अभी उसके ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। अगर अभी हम वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो देखिए एग्जैक्टली देखिए मल्टीयर का रेजिस्टेंस जो था ब्लू लाइन, उसको प्राइस ब्रेकआउट करने के बाद रिटेस्ट किया। रिटेस्ट करने के बाद देखिए यहां पे स्ट्रांग कंटिन्यूएशन ऑफ मूव दे रहा है एंड जिस टाइप का प्राइस सेटअप शो कर रहा है, जिस टाइप का मल्टीयर का ब्रेकआउट किया है, आने वाले टाइम में स्टॉक का प्राइस 500 को भी टेस्ट कर सकता है। अगर किसी भी स्टॉक का प्राइस लाइफ हाई के ऊपर चला जाता है, वहां पे कोई भी सप्लाई डिमांड लेवल अवेलेबल नहीं होता है एंड वहां पे टारगेट मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं बना के एक्सटेंशन को। तो यहाँ पे मैं प्लॉट कर लेता हूँ ईयर 2018 का हाई एंड 2020 का लो के ऊपर फिबोना के एक्सटेंशन को। तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली एक्सटेंशन लेवल प्लॉट हो गया है। बिगर टाइम फ्रेम में जो यहाँ पे टारगेट बन रहा है वो बन रहा है 3.600 फिबो लेवल 370 का और जो सेकंड टारगेट बनेगा 462। प्रोबेबिलिटी हाई है कि आने वाले टाइम में गेल स्टॉक का प्राइस 370 एंड 462 लेवल को टेस्ट कर सकता है। तो स्टॉक आपका रडार में रखिएगा, अगर डी मिलता है डी में अकुमुलेशन कर सकते हैं एंड हमेशा से तो क्वांटिटी मैनेजमेंट करना इंपॉर्टेंट है। मैं आशा करता हूँ आप डिटेल्स एनालिसिस समझ पा रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।